गाइस हम लोग 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं। हमने अभी 2 किलोमीटर ही पार किया है, 2 घंटे हो चुके हैं। हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में 1 किलोमीटर पार किया है। एक बार आप ट्रैक देखिए, बीच में काफ़ी धूप थी, अब थोड़ा सा मौसम आई डोंट नो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। ये छाया होना थोड़ा सा बुरा मौसम का भी संकेत होता है। अगर बारिश हो जाएगी तो ये सारे पत्थर जो आप देख रहे हैं नीचे आ जाएंगे, मलबा बन जाएगा और देन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक। ओके सी द ट्रैक। गुड मॉर्निंग गाइस, हम रात को यहीं रुके थे क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था और हम लोग बिछड़ भी गए थे अपने लोगों से। चलो हम लोग ने यहीं स्टे किया फिर गौरीकुंड में। ये देखिए मैं आपको गौरीकुंड दिखाती हूँ, दिस इज़ द गौरीकुंड। यहाँ पे मान्यता है कि स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, हर तरह के कष्ट, हर तरह की बीमारी, दिस इज़ गौरीकुंड। बट आई डोंट थिंक कोई यहाँ नहाएगा क्योंकि बहुत 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 ठंड है, टेम्परेचर माइनस में। यू कैन सी यहाँ से नहीं दिख रहा कुछ, यहाँ से नहीं है वो, मैं देख लिया, देखो सी ओके। जय भोले की गाइस, ये देखिए दर्शन कीजिए, ये मणि महेश की डल झील है। बहुत बारिश हो रही है और हम सबकी स्पेशली मेरी बड़ी हालत ख़राब है क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम है। अभी हम ऑक्सीजन लगा के मैं ऊपर आई हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो मेकर बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको दर्शन करवा सकूँ। वो ऊपर है कैलाश पर्वत, अगर अभी देख पा रही है बहुत बारिश है, अदरवाइज़ यहाँ पर धूप पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकता है। जय भोलेगी, जय भोलेगी दल झील चंडीगढ़ से। गाइस सी, ये ऑलमोस्ट पूरा ढक चुके हैं, हम लोग बादलों के ऊपर हैं। मैं आपको कुछ यात्रियों से मिलाते हैं जो अभी भी यात्रा की है। कहाँ से आए हैं आप? हम श्याम पटेरा। कौन सी बार है आपका, ये पहली बार है, पहले भी आए हैं? पांचवी बार है। अरे वाह, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगता है आपको यहाँ आके? आराधे हैं आपके शिव, क्या मांगते हो आप इनसे? शुक्रिया करते हैं। चलो भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय। धन्यवाद गाइस, हम लोग उतर रहे हैं, ये कुछ यात्री हैं हमारे साथ। कहाँ से हैं आप? हम उन्ना से। पहली बार आए हैं? पहले भी आ चुके हैं? पहले भी कई बार आ चुका हूँ। कैसा लगा आपको आके? बहुत बढ़िया। क्या मांगा आपने? लगता है जी? आपके आराधे हैं शिव? हाँ जी। आपके आराधे हैं शिव जी? हाँ जी। तो क्या मांगा आपने इनसे? हम कई कुछ मांग लेते हैं, हमारी मनोकामना जो मनोकामना करते हैं हर पूरी होती है यहाँ पे आके। चलो फिर एक बार जयकारा लगा दीजिए। जयकारा साचे दरबार की जय। जय भोले की, बोल साचे दरबार की जय। देखिए पूरा ये ढक चुके हैं इस टाइम। जय भोले की, जय भोले की।
भोलेनाथ की। ये देखिए यात्री हैं एक। हम सब की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम लोग हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं। कैसे आए हैं आप और कहाँ से आए हैं, बताइए अपने बारे में। मैं बथुआ से आया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मनोहर लाल जी। कहाँ से? बथुआ से। पंजाब है ये? नहीं नहीं, ये और आए कैसे हैं आप? में आए थे सर। पहली बार आए हैं आप? नहीं नहीं, मैं तीसरी बार। तीसरी बार है। क्या श्रद्धा आपके मन में यहाँ आते हुए? लेके आए, हर साल आते हैं वो, भोले बाबा की। आपके इष्ट देव हैं भोले बाबा। क्या मांगा आपने इस बार? नहीं मांगने हम कुछ नहीं आते, धन्यवाद करने। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप देखो, ये सिर्फ धन्यवाद करने आए हैं। हम लोग हमेशा बस अपनी एक बैगेज तैयार रखते हैं, एक पोटली तैयार रखते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये धन्यवाद करने के लिए आए हैं। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। ये टिकट मेरी आज। अच्छा, अब आप हो गई। अच्छा, कंधे को लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आप इनको साथ लेके जा रहे हैं। चलो, भगवान आपकी यात्रा मंगलमय रहे। सुकंदे, थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ। गाइस, वापसी कर रहे हैं हम लोग। एक बार फिर से मौसम देखिए, कुछ नहीं दिख रहा। ये सी आसमान और नीचे सब सेम है। मैं बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइम फ़ोन को होल्ड करना वाइल वॉकिंग। जस्ट मैंने आप क्यों ऑन किया है? ट्रैक दिखाने के लिए। इतनी स्लिपरी है कि एक बार पैर स्लिप हुआ और आप बस पत्थर में जाके बजेंगे और काफ़ी नीचे जाएंगे। देखिए ट्रैक, देखिए। मैंने अमरनाथ बहुत बार किया है, 17-18 बार मैंने अमरनाथ किया है, 3 बार मैंने केदारनाथ किया। बट सी अभी गिरने लगे थे सी, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है, इसको हल्के में मत कीजिए प्लीज़। जैसे ही आएँ प्रॉपर प्रेपरेशंस के साथ आएँ। जिसको भी आना होगा एक बार यहाँ पे कमेंट करके मैं मुझसे सजेशन ज़रूर लें, क्योंकि जो त्रुटियाँ मेरे में रह गई थी, जो कमियाँ हमारी यात्रा में थी, हम काफ़ी कुछ नहीं ला पाए थे, तो वो मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। थोड़ा सा नीचे आके मैं आपको फिर दिखाऊंगी। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था हडसर से, वहाँ पुल टूटा हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल और यू नो लैंडस्लाइडिंग हो गई थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी दोबारा से रात को फिर लैंडस्लाइडिंग और हैवी रेनफॉल हुई है, तो बाकी पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, सबके फ़ोन ऑफ हैं, ऐसा कुछ प्रीपेड पोस्टपेड कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं, कोई भी फ़ोन कहीं नहीं चलेगा यहाँ पे, कोई एसटीडी नहीं है, कोई भी ज़रिया नहीं है कॉन्टेक्ट करने का। तो अभी हमें नहीं पता कि नीचे सब कुछ कैसा, ये देखिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ट्रैक टूटा होगा। देखिए सी। ओके गाइज, मैं आपको आगे अपडेट देती हूँ और जय भोले की।